हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है दिल्ली से हेमकुंड साहिब। सो गाइज, हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर में और यहाँ से रुड़की है, फिर रुड़की से थोड़ा ऋषिकेश। वैसे तो बद्रीनाथ का प्लान है, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है, ये जो आपको येलो कलर की जो आपको दिख रही है सामने, जो येलो कलर की जो नदी है वो भागीरथी है, वो आ रही है गंगोत्री से। वो जो साइड से वो आ रही है मटियाले कलर की जो आ रही है वो आ रही है अलकनंदा। इन दोनों को मिला के बनती है अलकनंदा, दोनों को मिला के गंगा बनती है जो हरिद्वार में जा रहे हैं। रावण का बलिदान यहाँ पे ही हुआ था और बहुत से यहाँ पे पौराणिक कथा यहाँ पे विचलित है, प्रसिद्ध है। तो और गाइस, हम यहाँ भी देवप्रयाग में टी ब्रेक के लिए रुके पड़े हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट है छोटा सा। तो यहाँ का जो ओनर है उसकी एक बात पसंद नहीं आई। पहली बात यह है कि हमने डॉगी को बिस्कुट दिया, उसने कहा कि बिस्कुट इसको मत देना। कुछ लोग जो लिचड़ टाइप के भी होते हैं, ओनर को गुस्सा आ रहा है, चाय तो मुझे पसंद नहीं आ रही, ज़्यादा भी पसंद नहीं आ रही, कह लस्सी पी लो, ये भी बात होती है। Keep supporting and watching. Please subscribe, comment and like कीजिए, share कीजिए, bell को बजा दीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल पे। तो गाइस, बाय, फिर मिलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं श्रीनगर का नज़ारा। श्रीनगर में रेलवे स्टेशन बन रहा है, चारधाम प्रोजेक्ट है ये, जो ऋषिकेश से जो ट्रेन आएगी वो टनल के होते हुए और ये श्रीनगर से और कर्णप्रयाग में टनल हो रहा है, टनल का काम चल रहा है और ये प्लेटफॉर्म बनेगा ये सब। तो ये टनल टू टनल काम होगा सारा। आप देख सकते हो सामने मेरे लाइन दिख रही है, मेरी उंगली पे ये टनल है और ये टनल कई जगह से बन रही है, ऋषिकेश से भी निकल के बन रही है, श्रीनगर से भी, कर्णप्रयाग से, चारों जगह से काम चल रहा है और ये बाद में जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद सारा काम हो जाएगा। और देखो कितने हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं दमदमा साहिब रुद्रप्रयाग में और हम यहाँ से जाने वाले हैं हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ होते हुए।
और वहाँ के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने स्टे, हमने रात को यहाँ रुके थे, और रुकने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आगे की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सो गाइस बाय। हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के आसपास और हम आने वाला है जोशीमठ। आप दो पहाड़ नल और नील दो पहाड़ है, इनके बीच में जाएंगे। हेलो बाबा, बाबा कहाँ से हो? फ्रॉम बंगाल। अभी बंगाल से आया हो? हाँ। ट्रेन में आए थे? नहीं, पैदल। सच बताओ, सही में? सही। अच्छा जी, पहले बस गाड़ी मटर वगैरह कुछ नहीं चढ़ता था। कितने दिन में? मुझे हो गया 3 महीना। खूबसूरत नज़ारा यहाँ के, मतलब घर, यहाँ लोग रहते हैं।